नमस्कार प्रिय छात्राओं, कल के अध्याय में हमने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में हारमोनी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दूसरे सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके बीए पार्ट तृतीय के एमडीएस यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम का एक अध्याय है। आज हम जिस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे वह है बैलेंस या संतुलन। संतुलन कला का वह सिद्धांत है जो समानता का भाव उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी कलाकृति एवं सज्जा में समान आकर्षण निर्मित कर स्थिरता एवं विश्रांति का भाव उत्पन्न करता है। कभी सोचा है प्रकृति की प्रत्येक वस्तु आकर्षक, मनोहारी, सुंदर एवं लुभावनी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक रचना में संतुलन देखने को मिलता है। संतुलन अर्थात केंद्र बिंदु से दोनों ओर समान भार का होना। जैसे तराजू में दोनों ओर समान भार रखने पर संतुलन दिखाई देता है। सृष्टि की खूबसूरत रचना मनुष्य संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण है। गृह सज्जा में किसी भी वस्तु या स्थान को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। अब हम संतुलन की परिभाषा देखेंगे। संतुलन डिज़ाइन का वह सिद्धांत है जो शांति एवं संतोष का भाव देता है। संतुलन स्थिरता तथा बल का समान वितरण है जो विश्राम एवं शांति देता है। यह रंगों एवं आकृतियों के ऐसे संयोजन से प्राप्त किया जाता है जिसमें मध्य बिंदु के दोनों ओर समान आकर्षण हों। प्रत्येक कला में संतुलन आधारभूत तत्व है। यदि कलाकार कला में योग्य संतुलन स्थापित करता है तो उसकी कलाकृति सफल होती है। कला के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन द्वारा समान भाव निर्मित किया जाता है। गृह सज्जा में संतुलन स्थापित करने हेतु प्रत्येक वस्तु के आकार, रंग, बनावट, प्रकाश, भार, माप आदि में संतुलन होना आवश्यक है। सज्जा में संतुलन का उपयोग करते समय उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु आकर्षक एवं सुंदर होना चाहिए। यह एकता का भाव उत्पन्न करती है। अतः एक वस्तु आकर्षक एवं दूसरी अनाकर्षक ना हो। सज्जा में वस्तु में एकता होनी चाहिए। इससे शांति एवं आनंद की अनुभूति होती है। संतुलन का अर्थ है सरल। संतुलन अर्थात केंद्र बिंदु से समान अंतर पर समान वजन की वस्तु रखने पर समान संतुलन स्थापित होता है। किंतु यहाँ वजन का अर्थ दृश्य वजन से है, अर्थात वस्तु कितने प्रमाण में अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु समान ध्यान आकर्षित करने वाली हो तो समान संतुलन स्थापित किया जाता है। उसी प्रकार संतुलन स्थापित करने हेतु असमान दृश्य वजन वाली वस्तु केंद्र बिंदु से थोड़े अंतर पर एवं अधिक दृश्य वजन वाली वस्तु केंद्र बिंदु के पास रखनी चाहिए। संतुलन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संतुलन यानी फॉर्मल बैलेंस, अनौपचारिक संतुलन यानी इनफॉर्मल बैलेंस। औपचारिक संतुलन वह संतुलन है जो केंद्र बिंदु के दोनों ओर या चारों ओर समान आकर्षण की वस्तु रखने पर दिखाई देता है। एक वस्तु या स्थान का केंद्र वह बिंदु होता है जिसकी ओर समस्त आकर्षण केंद्रित किया जाता है। निर्धारित केंद्र बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर एक ही आकार व भार की वस्तुएं रखी जाएं तब उसे औपचारिक संतुलन कहते हैं। औपचारिक संतुलन हेतु बहुत अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं होती। केंद्र बिंदु के दोनों ओर समान दूरी, आकार, माप, बनावट, रंग की वस्तुओं की रचना कर अथवा दोनों ओर समान दृश्य वजन अर्थात समान ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तुओं की रचना कर औपचारिक संतुलन स्थापित किया जाता है। औपचारिक संतुलन श्रेष्ठता व्यक्त करता है। मानव निर्मित सुंदर कलाकृति में ताजमहल, लाल किला, ड्रैगन पैलेस
औपचारिक संतुलन के उदाहरण हैं। अब दूसरा है अनौपचारिक संतुलन यानी इनफॉर्मल बैलेंस। अनौपचारिक संतुलन में केंद्र के पास भारी एवं बड़ी वस्तुएं और उसके बाद छोटी एवं हल्की वस्तुओं की रचना इस प्रकार से की जाती है कि उनमें सुंदरता, सरलता, जीवंतता एवं आकर्षण उत्पन्न हो सके। अनौपचारिक संतुलन स्थापित करने हेतु अधिक से अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संतुलन द्वारा सज्जा में विविधता लाई जा सकती है। कलाकार एवं सज्जाकार को अपनी कल्पना प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार के संतुलन में कलाकार को पूर्ण स्वतंत्रता एवं लोचकता मिलती है। इस कारण रचना या की गई व्यवस्था की उपयोगिता, सौंदर्य एवं विशिष्टता में वृद्धि हो जाती है। इस संतुलन को हम सीसा के खेल के उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है कि इस खेल में औपचारिक संतुलन के समय दो बराबर भार वाले बच्चे लकड़ी के पट्टे पर बैठते हैं, तब सीसा नीचे होता है, अर्थात औपचारिक संतुलन दिखाई देता है। किंतु यदि एक बच्चे का भार अधिक एवं दूसरे बच्चे का भार कम हो तो अधिक भार वाला बच्चा केंद्र के पास एवं कम भार वाला बच्चा केंद्र से दूर बैठता है, तब भार में संतुलन उत्पन्न होता है एवं सीसॉ ऊपर नीचे होता है, अर्थात अनौपचारिक संतुलन दिखाई पड़ता है। तृतीय प्रकार का संतुलन है गोलाकार संतुलन। किसी भी सजावट के मध्य भाग को निश्चित कर उसके चारों ओर की गई वस्तुओं की व्यवस्था या सज्जा को गोलाकार संतुलन कहते हैं। गोलाकार संतुलन औपचारिक संतुलन के समान ही होता है। उदाहरण सीलिंग फैन, डाइनिंग टेबल, आकाश झूला आदि। आंतरिक सज्जा में संतुलन का उपयोग सज्जा में नवीनता, सौंदर्य एवं आकर्षण उत्पन्न करता है। सज्जा में संतुलन आकार, बनावट, रंग में होना आवश्यक होता है। कमरे में आकार को ध्यान में रखकर विभिन्न वस्तुओं की व्यवस्था में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। कमरे का आकार चौकोर, आयताकार हो सकता है। आकार के अनुसार विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था की जाए ताकि योग्य संतुलन स्थापित हो। फर्नीचर व्यवस्था में संतुलन स्थापित करते समय कमरे के दरवाजे एवं खिड़कियों के स्थान को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यदि दरवाज़ा दीवार के कोने में हो तो एल शेप के फर्नीचर की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही एक कोने में ऊंची मूर्ति या बड़ा सजावटी पुष्प पात्र भी रखकर संतुलन स्थापित किया जा सकता है। दरवाज़ा दीवार के मध्य भाग में होने पर सामने वाली दीवार के मध्य भाग में एक बड़ा फर्नीचर एवं आसपास छोटे फर्नीचर जैसे सोफे, कुर्सी की व्यवस्था की जा सकती है। दीवार पर विभिन्न चित्र, फ्रेम, पेंटिंग लगाने से पूर्व दीवार एवं लगाई जाने वाली वस्तु के आकार, बनावट एवं रंग में संतुलन स्थापित कर दीवार की सज्जा की जानी चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार की बनावट का प्रयोग कर संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जिस प्रकार कुशन कवर, पर्दे, कारपेट, फर्नीचर आदि की भिन्न भिन्न प्रकार की बनावट द्वारा संतुलन स्थापित कर सज्जा की निरसता एवं उदासीनता को नष्ट किया जा सकता है। गृह सज्जा में रंगों का संतुलित उपयोग सज्जा को जीवंत बनाता है। उष्ण रंग, शीत रंग, विभिन्न मूल्यों के रंग, रंग कांति आदि का उपयोग कर औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का संतुलन स्थापित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रंगों के प्रभाव को ध्यान में रखकर आंतरिक सज्जा में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार संतुलन का सही उपयोग करके हम अपनी गृह सज्जा को सुंदर बना सकते हैं। अगली कक्षा में हम तृतीय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।